दादा परदादा के जमीन की नहीं है कागज तो कैसे सर्वे में अपने नाम करवाए पुस्तैनी जमीन। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बिहार सरकार ने प्रदेश के 45,000 से भी ज्यादा गांवों में भूमि सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है। गाँवों में जमीन सर्वे के लिए शिविर लगाए गए हैं, जहाँ जमीन मालिक या रैयत अपने जमीन की कागजात लेकर पहुँच रहे हैं ताकि उनके खतियान का अपडेशन हो सके। अब ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पुस्तैनी जमीन के कागज नहीं है, तो आज हम उन्हीं लोगों की चर्चा करेंगे कि ऐसे स्थिति में वे क्या कर सकते हैं। जिनके पास अपने दादा परदादा के जमीन की कागज नहीं है, वे कैसे सर्वे के दौरान अपने नाम जमीन करवा सकते हैं। कई लोगों को डर है कि जिस पुस्तैनी जमीन पर उनका हक है वो उन्हें मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन आपको यह स्पष्ट कर दे कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, सरकार जमीन सर्वे के दौरान मृत व्यक्ति का नाम पुस्तैनी जमीन से हटा देगी और जो उनके वारिस होंगे जमीन उन्हीं के नाम होगी। तो यदि आपके दादा या परदादा का निधन हो चुका है तो वो जमीन उनके वारिस यानी आपको ही मिलेगी। लेकिन इसके लिए सर्वे कैंप में आपको वंशावली लेकर पहुँचना होगा। वंशावली आपको पंचायत की ग्राम सभा समझ जाएगा। इस दौरान जमीन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। वहीं जिस पुस्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में जमीन सर्वे के दौरान अलग अलग नाम नहीं चढ़ाए जाएंगे। भूमि सर्वे में उन्हीं का नाम चढ़ेगा जिनका नाम दस्तावेज में पहले से मौजूद है। यदि आपके पैतृक संपत्ति पर किसी तरह का विवाद है जिसका मामला कोर्ट तक पहुँचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी दस्तावेज पर जिनका नाम है उन्हीं का नाम सर्वे में चढ़ाया जाएगा। हालांकि साथ में इस दौरान कोर्ट केस का नंबर भी दर्ज किया जाएगा। बाद में कोर्ट के फैसले के आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा। चलिए अब उन लोगों के समस्या के विस्तार से चर्चा करते हैं जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है। जमीन के कागजात आपके पास नहीं है और जमीन पुस्तैनी है तो खतियान से उसका नाम आप निकलवा लें। यदि जमीन की रजिस्ट्री है तो इसे भी सर्वे के दौरान दे सकते हैं। इसके अलावे वंशावली देना अनिवार्य है। ये वही वंशावली होगी जो पंचायत की ग्राम सभा से पारित होगी। यदि आपके पुस्तैनी जमीन की आपके पास रजिस्ट्री नहीं है और खतियान की जानकारी भी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में सर्वे के दौरान आप जमीन से जुड़ी कोई पुरानी रसीद भी दे सकते हैं। यानी सर्वे में आपको ये साबित करना होगा कि जमीन आपकी ही है। इसे साबित करने के लिए जमीन से जुड़े कोई एक कागज भी जरूरी होंगे जो सरकार के सामने एक मजबूत सबूत पेश कर रहा हो। जो रैयत या जमीन मालिक इस सर्वे से घबरा रहे हैं कि आगे कहीं उनकी जमीन को लेकर कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, तो आपको बता दें कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये सर्वे आपके सहयोग के लिए ही किया जा रहा ताकि अधिक से अधिक विवाद को खत्म किया जा सके। जमीन सर्वे से अधिक विवाद खत्म होंगे, असली रैयत का पता चल सकेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप जमीन सर्वे के लिए अपने क्षेत्र में लगे शिविर कैंप में गए हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।